हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं लीची आइसक्रीम, और आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी लीची आइसक्रीम बनने वाली है। विदाउट एनी क्रीम हम इसे बनाएंगे, ना हम व्हिपिंग क्रीम यूज़ करेंगे, ना कोई अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ करेंगे, कोई भी क्रीम का हम यूज़ नहीं करेंगे। और सिर्फ हाफ के जी दूध में आप देखिए मैंने कितनी क्रीमी आइसक्रीम घर में बना के रेडी की है। लीची आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने लीची ले ली है, मैंने इसकी जो छिलके होते हैं ना उसे छील ली है काफ़ी अच्छे से। मैंने इसे धो भी लिया था, उसके बाद छील लिया, और उसके बाद इसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं ना बीज, वो मैंने निकाल दिया। आप देख सकते हैं ये देखिए। तो सबसे पहले हम लीची को क्या करेंगे ना, एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालेंगे और इसे हम पीसेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें महीन नहीं पीसना है, बस 30 सेकेंड के लिए इसे आप चलाइएगा, सफिशियंट है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का हमें इसे रखना है। तो ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है, आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे से टुकड़े इसमें अभी भी हैं लीची के, आप देख सकते हैं। बस ऐसा ही हम इसे रखना है, क्योंकि जब हम लीची आइसक्रीम खाएंगे ना तो इसके टुकड़े हमारे बाइट्स में आएंगे, तो खाने में आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगेगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध, या हाफ के जी दूध है, मैंने पैकेट दूध लिया है क्योंकि काफ़ी गाढ़ा होता है ना, तो हमें गाढ़ा दूध ही लेना है। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डाल देंगे 4 चम्मच, और इस मिल्क पाउडर को हम अच्छे से दूध के साथ मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स नहीं रहनी चाहिए। फिलहाल दूध हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर में है, गर्म नहीं है। मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दूध को रखते हुए इस तरह से मिल्क पाउडर डाल के मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छी से वो मिक्स हो चुका है मिल्क पाउडर। तो अब हम गैस के पास आ जाएंगे और दूध को रख देंगे गैस पर, और दूध में अभी हम उबाल लाएंगे पहले। तो ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ चुका है, तो हम गैस के फ्लेम को मीडियम लो में रख देंगे, उसके बाद आगे की हम प्रोसेस करेंगे। और अभी हम फिलहाल इसे 3 से 4 मिनट के लिए दूध को उबालने के लिए छोड़ेंगे। हमें इसे 25% रिड्यूस करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25% इसे हम रिड्यूस करेंगे, और इस तरह से बीच बीच में चलाते भी जाएंगे ताकि इसकी जो भी मलाई आएगी वो दूध के साथ मिक्स हो जाए। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस टाइम पर हम डाल देंगे दूध में चीनी डालेंगे हम, तो यहाँ पे लगभग 1/4 कप में चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि लीची हम डालेंगे ना वो अभी मीठी होती है, तो इससे मैंने सिर्फ 1/4 कप चीनी दी है। और आप चम्मच से देखेंगे तो छोटी चम्मच से 6 चम्मच। अब आप देख सकते हैं मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया, जिसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और थोड़ा सा मैंने पानी डाला लगभग 2 से 3 चम्मच, और अच्छे से हम कॉर्नफ्लोर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं रहनी चाहिए, इस तरह से हम इसे मिक्स करना है। अब हम कॉर्नफ्लोर को दूध में डाल देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा दूध गाढ़ा भी होगा, साथ में चिकना भी बनेगा, काफ़ी स्मूदी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा चिकना आइसक्रीम हमारा बनके तैयार होगा। और ये देखिए मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद ये बात ध्यान में रखिए आपको दूध को चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इस तरह से आप चलाते जाइए, आपका दूध काफ़ी क्रीमी गाढ़ा हो जाएगा। तो लगभग ये 3 मिनट के लिए प्रोसेस हम करेंगे, इसे इस तरह से हम गैस में रख के उबालते रहेंगे। 3 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम दूध को नॉर्मल रूम टेम्परेचर में लाएंगे, क्योंकि हमें अभी दूध को ठंडा करना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं रखना। मैंने पहले ही बोला मलाई आएगी, तो इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते जाना है, मलाई हमें दूध में नहीं छोड़नी है, दूध के साथ हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमारा दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ चुका है। तो मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है, जिसमें सारा दूध हम इसमें डाल देंगे। अब हमने जो लीची को पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें डाल देंगे जार में। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे 30 सेकेंड के लिए। ये देखिए मैंने इसे एक बार ब्लेंड कर लिया, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा झागदार हमारा, काफ़ी एयर इसमें भर चुका है। आप देख सकते हैं देखिए कितना ये क्रीमी हो चुका, आप देखिए। तब हम एक कंटेनर लेंगे और इसमें ये सारा मिक्सर आइसक्रीम का हम डाल देंगे। अब इसे हम ढक देंगे और इसके कैप को लगा देंगे और फ्रिज में रख देंगे हम इसे, फ्रीजर में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद देखिए हमारी आइसक्रीम इस तरह से सेट हो चुकी है। अब एक चाकू की हेल्प से, नाइफ़ की हेल्प से हम क्या करेंगे ना, इस तरह से चला लेंगे, क्योंकि इसे फिर से हम ब्लेंड करेंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं।
ये देखिए हमने कर लिया। फिर से हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और सारी आइसक्रीम इसमें हम डाल देंगे। अब फिर से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने एक बार कर लिया ब्लेंड और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी हो चुकी है। आप देखिए बहुत ज़्यादा क्रीमी बन चुकी है। फिर से हम वही वाला कंटेनर ले लेंगे और सारा मिक्सर आइसक्रीम का इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से इसे सेट कर लेंगे पहले चम्मच की हेल्प से। अब हम कंटेनर को कैप को लगा देंगे ताकि आइस क्रिस्टल जमा ना हो और इस तरह से हम इसे फ्रीजर में 8 घंटे के लिए आइसक्रीम बनने के लिए रख देंगे या ओवरनाइट। 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी से सेट हो चुकी है और ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी बनी है। बहुत ही फ्लफी क्रीमी आइसक्रीम बन के तैयार हो चुकी है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी मैं ऐसे रोज़ समर की रेसिपी लाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।